Hey everyone, as I promised that I'll be bringing one of my poetries in the form of a video, and here I am with my first one. So, talking about the most admirable personalities, I'm talking about Maharana Pratap. You must be aware what kind of role he has played in Indian history for Rajputana and for whole country when Mughals were having their reign in the India. So they were the terrorist, indirectly, if I say. So let's start how it goes. I hope you like it. Okay. So ऐसे शुरुआत करते हैं, सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तब मुगलों और अफगानों जैसे आतंकवादियों से हमारा देश काफी परेशान था. पर उस वक्त भी राजपूताने पर अफगानों का दबदबा नहीं बन पाया था, ऑल्दो वो लोग दिल्ली में अपना शासन बरकरार रख रहे थे. तो शुरू हम ऐसे करते हैं कि सोने की चिड़िया को लूट रहे थे आतंकी, हर प्रांत पर शासन करने का सपना लिए बस बजा रहे थे युद्ध की धुंधपी. एक राज्य था नाम राजपूताना, जहां अब तक नहीं बन पाया था इनका ठिकाना. राजपूताने की एक सशक्त रियासत थी मेवाड़, उदय सिंह जी थे वहां के राज्यपाल. तो मेवाड़ इज अ किंगडम ऑफ सिसोदियाज एंड इट वाज लेड बाय बप्पा रावल, देन राणा सांगा रूल्ड इट, एंड देन केम राणा उदय सिंह, एंड देन केम राणा प्रताप. सो उदय सिंह इज फादर ऑफ महाराणा प्रताप. सो एट दैट टाइम उदय सिंह वॉज रूलिंग द स्टेट. सो वही बात की गई है कि राजपूताने की एक सशक्त रियासत थी मेवाड़, उदय सिंह थे वहां के राज्यपाल. प्रजा की रक्षा हेतु अफगानों के संग करी थी एक संधि, फिर भी मेवाड़ का गौरव नहीं चुरा पाए थे वो आतंकी. तो उदय सिंह जी के बारे में बोला जाता है कि वो कूटनीति के महाज्ञानी थे. वो कूटनीति जो उनकी जैसी होती थी उसका कोई तोड़ ही नहीं था कहीं भी, एंड कभी भी दुश्मन उसे समझ नहीं पाते थे कि उस चीज के पीछे उनका मोटिव क्या है. तो उन्होंने अफगानों को राज्य तो दिया था, पर उसके पीछे कुछ मोटिव था, वो आगे पता चलेगा. आगे बढ़ते हैं कि प्रजा की सुरक्षा हेतु अफगानों के संग करी थी एक संधि, फिर भी मेवाड़ का गौरव नहीं चुरा पाए थे वो आतंकी. बनाकर सीमा चौकी हथिया ली थी मेवाड़ की एक पवित्र भूमि, उन्हीं दिनों हुई मेवाड़ में अवतार की उत्पत्ति. तो यहाँ पर बात की गई है महाराणा प्रताप की. महाराणा प्रताप को राजपूत आने के लिए एक अवतार माना जाता है. उन्हें कहा जाता है कि वो शिवजी का स्वयं शिवजी आए थे उनके रूप में, पूरी प्रजा को, पूरे राजपूताने को बचाने के लिए. तो वही कहा गया है यहाँ पर कि उन्हीं दिनों हुई थी मेवाड़ के में एक अवतार की उत्पत्ति. कहलाते थे बाऊजी राज, वहां पर थे सबके राज दुलारे, मन से थे उदार, बचपन से थे योद्धा न्यारे. आप एट द वेरी टेंडर एज ही यूज्ड टू फाइट विथ हिज एनिमीज, एंड वही बात बताई गई है कि मन से थे उदार, बचपन से थे योद्धा न्यारे. एक बार क्या कई बार बचपन में शौर्य के अनेक कार्य थे कर डाले, माँ के आदर्शों और पिता से कहीं अधिक आत्मविश्वास लिए, वे तो बन गए थे मेवाड़ के रखवाले. उम्र कुल 12 की थी, अफगानों से युद्ध की घड़ी सामने आ खड़ी थी, ऐसे में वे कैसे पीछे हट जाते, क्षत्रिय धर्म कैसे न निभाते. तो एज आई टोल्ड कि उदय सिंह हैड सम रीजन बिहाइंड taking the defeat at that moment from Afghans. तो वो reason ये था कि he wanted time to prepare against them. हम बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक strategy बनाई, help accumulate की, और अपने राज्य को इतना सशक्त किया, अपने ministers को train किया, एक proper army बनाई to fight against Afghans, huge army. And that was the main strategy behind giving that keys of Mewar fort. So that's what we are talking about. तो वही युद्ध होने वाला है अफगानों से, और महाराणा प्रताप को कहीं से पता चल गया था कि भैया ऐसा कोई युद्ध होने वाला है और मुझे नहीं बताया गया है. तो उन्होंने क्या करा, एक सीक्रेट मिशन पे चले गए, और सीक्रेटली ही गॉट इन टू वन ऑफ द आर्मीज इन इन दी बैटल फील्ड,
एंड ही फॉट दैट डे एंड इवेंचुअली दे वॉन द बैटल. सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. उम्र कुल 12 की थी, अफगानों से युद्ध की घड़ी सामने आ खड़ी थी. ऐसे में वे कैसे पीछे हट जाते, क्षत्रिय धर्म कैसे ना निभाते. वे तो तलवार लिए सैनिक के भेष में निकल गए मेवाड़ी ध्वज लहराने. राणा वीर बहादुर के संरक्षण में लड़ी वो लड़ाई, माता को जौहर से बचाया, पिता ने दी गर्व से बधाई. अब बड़े हुए गुरुकुल गए ली विद्या आचार्य से, हर तरह की नीति सिखाई श्री गुरुश्रेष्ठ महान ने. कई षड्यंत्रों में घिरे रहे पर वे तो अवतार बड़े थे, शम्स खान को दंड दिया, उसे भी उसके भी संहारक बने थे. तो जो महाराणा प्रताप के गुरुदेव थे गुरु राघवेंद्र जी, उनका उनके लिए बोला जाता है कि वो हर तरह की नीति में निपुण थे. मतलब चाहे वो कूटनीति हो, राजनीति हो, या योग हो, युद्ध नीति हो, वे हर तरह से सशक्त थे. और इसी कारण वश उन्हें महाराणा प्रताप का गुरु चुना गया था. और उन्होंने हर तरह से शिक्षित किया महाराणा प्रताप को. और तभी यही रीज़न था शायद कि महाराणा प्रताप अपने लाइफ के किसी भी बैटल में हारे नहीं, क्योंकि वो हमेशा हर स्टेप पर उनके साथ खड़े रहते थे, हर स्टेप पे उनका सपोर्ट करते थे. एंड ही यूज टू ट्रेन हिम फॉर एवरी काइंड ऑफ बैटल ही इज गोइंग थ्रू. वही बात कही गई है कि कई षड्यंत्रों के बीच गिरे थे पर वे तो अवतार बड़े थे, शम्स खान को दंड दिया, उसके भी संहारक बने थे. तो हुआ यूं था कि फाइनल एग्जामिनेशन थी महाराणा प्रताप की, और उसमें एक कॉन्स्पिरेंसी, जो अफगान सरदार थे शम्स खान, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी बना ली और वहां पर बॉम्ब अटैक प्लान किया. उस बॉम्ब अटैक में महाराणा प्रताप के दोस्त की डेथ हुई, और उसी से गुस्सा होकर महाराणा प्रताप ने ऑन स्पॉट ही किल्ड हिम. तो वही बात कही गई है कि शम्स खान को दंड दिया, उसके भी संहारक बने थे. छोटी सी आयु में और ना जाने कितने अत्याचारियों का किया संहार, राणा प्रताप तब कहने लगा उन्हें सारा संसार. तो अब यहाँ बात आ रही है कि उनको अब एज अ किंग लोग देखने लगे थे, इसलिए उदय सिंह जी ने राज्य अभिषेक घोषित कर दिया. पर इस मोमेंट पर उनकी जो मम्मी थी, जो उनकी मॉम थी, जयवंता बाई के नाम से हम जानते हैं उन्हें, उन्हें थ्रेट आने लगे कि महाराणा प्रताप को मार दिया जाएगा अगर वो राजा बनते. तो उसी वक्त उन्होंने उन्हें वनवास भेज दिया, उसी दिन जिस दिन राज्य अभिषेक था. तो ये लोक कथाओं में प्रचलित है. तो यही बात कही गई है कि राज्य अभिषेक के दिन माता ने दिलाया उन्हें वनवास, वे तो सोने की तरह तपकर बन गए जनता के भगवान. सबको लगा भैया वनवास चला गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता. पर वही बात होती है, सोने को तपाया जाए तो वो और चमकीला हो जाता है और कीमती हो जाता है. इसीलिए बोली गई है ये बात कि वे तो सोने की तरह तपकर बन गए जनता के भगवान. सिंह से रक्षण किया बूंदी नरेश को, उसके अत्याचारों का दंड दिया. आड़े आए जो मुगल किया उन्हें युद्ध में पराजित बारंबार, महाराणा कहने लगा था उन्हें मेवाड़. गए बिचौलिया ब्याह कर लाए अजपती बाईसा को, पर ज्यादा वक्त न रह पाए उनके संग राणा. तो वक्त जैसे जैसे बीता राणा के शौर्य में वृद्धि हुई, मेवाड़ी युवराज अब मुगलों से संघर्ष की नीति में जुड़े. कई बार घातक हमले हुए थे राणा पे, पर वे तो संघर्ष कर विजय हुए हर हालत में. बनाया था अब अकबर ने एक षड्यंत्र, मेवाड़ को हत्याने का किया घिनौना राजतंत्र. कहते हैं ना कि जब राइवलरीज जो होते हैं, जब जाति चीजों पे आ जाती है उनकी, तो दे स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, और वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको परेशानी हो. तो वही चीज अकबर ने भी उस वक्त की, क्योंकि उसकी एक जाति दुश्मनी थी अपने महाराणा प्रताप जी से. और मुगल शहनशाह अकबर ने घेराव शुरू कर दिया मेवाड़ में. घेराव का मतलब ये कि कोई अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं, ना अनाज आ सकता है, ना कोई इंसान आ सकता है. तो ऐसा घेराव कम से कम 3 से 4 महीने चला, पर तब भी महाराणा प्रताप के आत्मबल में कोई कमी नहीं आई. देखिए आगे बताते हैं.
कि मेवाड़ को हथियाने का किया घिनौना राज्य तंत्र, मेवाड़ की सीमा पर लगा लिया डेरा, पर फिर भी ना हिला पाया राणा जी का शक्ति घेरा। महीने बीत गए सीमा पर खड़े खड़े, महाराणा तो हर अपनी युक्ति से लड़े, पर बचा ना पाए मेवाड़ का किला, फिर भी उन्होंने अकबर के शासन को तो हिला। तो बात ये हो रही है कि महाराणा प्रताप ने हर तरह से चीजें की, हर तरह की युक्ति लगाई, पर किला बच नहीं पाया, क्योंकि उनके मिनिस्टर्स ने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर महाराणा प्रताप जिंदा होंगे तो शायद मेवाड़ को वापस ले सकते हैं, पर अगर वो आज साका में मर गए तो शायद कुछ ना हो पाए आगे। तो इसी कारण से उनके मिनिस्टर्स ने उन्हें सुरक्षित महल से भेज दिया और खुद ने जौहर साका कर लिया। तब काफी दर्दनाक था वो, जब ये सब हुआ अकबर ने बहुत निशंसता के साथ उनको मारा, एंड दैट वॉज दी वर्स्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ आई थिंक। एंड फिर भी महाराणा प्रताप ने इतना कुछ खो दिया, फिर भी उनका आत्मबल कम नहीं हुआ। उन्हें मोटिवेट करने वाले लोग हमेशा उनके साथ थे, उनके गुरु, उनकी माँ, उनके पिता। तो वही बात यहाँ हुई है कि अकबर पर बचा ना पाए मेवाड़ का किला, फिर भी उन्होंने अकबर के शासन को दिया हिला। नई रियासत उदयपुर का किया निर्माण, नई रियासत उदयपुर का किया निर्माण। अकबर था हैरान, तिलमिलाने लगा और भूल गया मेवाड़। फिर हमले को सज्ज हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, बुद्धि का प्रयोग कर किया व्यू रचना का निर्माण, हुए उसमें वीर गति को प्राप्त कई योद्धा महान। बकलोल खान की कहानी तो ज्ञात ही होगी आपको। तो हल्दी घाटी के युद्ध में एक बड़ा ही रोचक सा दृश्य है जिसके चर्चे आज भी हैं दुनिया भर में। महाराणा प्रताप ने अकबर के एक मिनिस्टर को घोड़ा समेत एक ही बार में दो हिस्सों में बांट दिया था। तो वही बात यहाँ कही गई है कि बकलोल खान की कहानी तो ज्ञात होगी आपको, जो कैसे किया था एक ही बार में घोड़ा समेत दो हिस्सों में विभाजित। इसी प्रकार संघर्ष कर पुनः जीत लिया उदयपुर, पर शौर्य की परिकाष्ठा का अंत निकट लेकर आ रहे थे महाकाल। मृत्यु हुई उस महान व्यक्तित्व की उस पल। तो कहा जाता है कि युद्ध के समय जब उनके चेतक की मृत्यु हो गई थी, उसके कुछ ही दिनों बाद महाराणा प्रताप को एक बैक इंजरी हुई उनकी स्पाइनल कॉर्ड में, एंड ही डाइड इन विद इन 2 डेज ड्यू टू दैट इंटरनल इंजरी। तो वही बात हो रही है कि मृत्यु हो गई उस महान व्यक्तित्व की उस पल पर, मातृभूमि पर मर मिटने वाला वो मतवाला जीवित रहा प्रतिपल। हृदयों पर शासन उनका सदैव रहेगा, वह महाराणा प्रताप है राजपुताने के लिए एक लिंग का अवतार रहेगा। तो आज भी जब महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो बड़े अदब और बड़ी मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो राजपुताने की नींव रखी वो आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं हर क्षत्रिय के अंदर। उनके हिसाब से राजपुताना एक भूमि का टुकड़ा नहीं, वो एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक स्वतंत्रता का भाव है, एक वीरता की परिकाष्ठा है। जितना है कि क्षत्रियों के में ये गुण बचपन से खून में आता है। तो हमें तो गर्व से रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय धर्म से नहीं होता इंसान, क्षत्रिय कर्म से होता है। ऐसे तो महारानी लक्ष्मीबाई ब्राह्मण थी जात से, लेकिन कर्म सारे क्षत्रिय वाले करती थी। तो क्षत्रिय कर्म का अर्थ ये कि आप दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। चार वर्णों की जब उत्पत्ति हुई थी उसका मतलब ही ये था कि इंसान के कर्म के बेसिस पर लोगों को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। अबाउट माय रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट माय वर्क। कर्म से क्षत्रिय बनो, धर्म से नहीं। यही रिक्वेस्ट है मेरी आज सारे राजपूतों से, जो पुरानी चीजों को लेकर आते हैं आड़े, पुरानी मानसिकताओं को जबरदस्ती लोगों पर थोपते हैं। उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज
कुछ नहीं होगा उससे, क्षत्रियता को दिल से अपनाओ। महाराणा प्रताप ने जिस राज्य पताने की नींव रखी थी उसे बरकरार रखें, उसकी इज्जत रखें, कृपा करें और उसे उसे बदनाम ना करें, यही रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।